वेलकम फ्रेंड्स, ये सेशन में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू मेक न्यू अनाउंसमेंट्स टू आवर एग्जिस्टिंग लिस्ट। सो इससे पहले कि हम डायरेक्टली ईमेल कंटेंट के ऊपर जंप करें, मैं आपको एक मैट्रिक्स बताना चाहता हूँ जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो सबसे ज़्यादा कौन से सेगमेंट में है या तो कौन से क्वार्टर में है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। सो ये जो कॉलम है वो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का, और ये जो कॉलम है जो न्यू प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर रहे हो। सो एग्जिस्टिंग एंड न्यू प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर है कस्टमर्स, जो अगेन न्यू कस्टमर्स, एंड देन ये जो सेकेंड रो है दैट इज फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सो यहाँ पर हमारे पास चार क्वार्टर्स हैं, न्यू कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। न्यू कस्टमर आप ढूंढ रहे हो विथ न्यू प्रोडक्ट, उसके बाद एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल करते हो, और एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप न्यू प्रोडक्ट सेल करते हो। सो यहाँ पर ग्रोथ का जो यू नो जो एवरेज ग्लोबल शेयर है वो अभी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। लेट्स से कि आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो आप न्यू कस्टमर को सेल करते हो, यानी आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी आप सेल कर रहे हो वही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आज भी आपके पास है, और जनरली आप रोज सुबह उठ के नए कस्टमर ढूंढने पर ज्यादा फोकस करते हो, राइट? सो ऐसे केस में यहाँ पर ग्रोथ का परसेंटेज होता है अराउंड 7% to 15%, प्लस माइनस हो सकता है बट दिस इज द एवरेज रेशियो। उसके बाद मान लो कि आप एक न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो और ऑल टुगेदर एक न्यू कस्टमर बेस आप क्रिएट कर रहे हो, राइट? सो ऐसे केस में ग्रोथ का परसेंटेज होता है 3 to 5%, बिकॉज दिस इज ग्रीन फील्ड। आपकी प्रोडक्ट भी नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाए, उसका प्राइसिंग किस तरीके से सेट किया जाए, कस्टमर उसे कैसे बाय करेंगे, नए कस्टमर तक पहुंचने के लिए इफेक्टिव मीडियम कौन सा है, एक्सेट्रा। सो दिस इज ग्रीन फील्ड। और ये कब होता है? जब आप अपने पूरे बिजनेस का रीस्ट्रक्चरिंग करते हो, रीमॉडलिंग करते हो। जैसे मान लो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। सो ऐसे केस में यू आर थिंकिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, और न्यू प्रोडक्ट्स में भी यू आर सर्विंग न्यू कस्टमर। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को नई प्रोडक्ट सर्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमें न्यू मार्केट सेगमेंट ढूंढना होगा। सो ये सबसे टफ जॉब होता है क्योंकि दिस इज ग्रीन फील्ड। सो यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इट टेक्स अराउंड 3 to 5%। बट यस, आगे चल के ये जो न्यू कस्टमर और जो आपकी न्यू प्रोडक्ट है वो आगे चल के आपकी एग्जिस्टिंग कस्टमर और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर जितना आपका ग्रोथ हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो दिस इज प्लस पॉइंट। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप सेल कर रहे हो, वहाँ पर ग्रोथ होता है 10 to 20%, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं। जैसे हमारा श्रीलाइट का एग्जांपल हम पूरे सेशन में ले रहे हैं, तो श्रीलाइट में अगर एक आर्किटेक्ट ने कोई यू नो इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन ले लिया तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी जो आर्किटेक्ट है यानी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इम्पैक्ट देखा गया है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आप न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कीजिए, न्यू प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च कीजिए, यहाँ पर आपका हाईएस्ट ग्रोथ का इम्पैक्ट होता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर आपको ट्रस्ट बिल्डिंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप है उसे सिर्फ मेंटेन करना है। ये कस्टमर्स आप पे ऑलरेडी ट्रस्ट करते हैं, इन्होंने पास्ट में आपकी सर्विसेज लिए, ये आपके क्वालिटी या जो भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की क्वालिटी है उससे सेटिस्फाइड है। अगर ऐसा है तो अगर उन्हें आप न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हो जो उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है, यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर इस तरह के प्रोडक्ट में यू नो कुछ ढूंढ रहे थे या कहीं और से वो लोग यू नो सोर्स कर रहे थे या परचेस कर रहे थे, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को उनकी नीड को समझ के अगर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हो तो इस क्वार्टर में ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो सबसे हाईएस्ट होता है। अब फ्रेंड्स, मान लो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की। सो न्यू प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च की तो सबसे ज़्यादा इनिशियल लेवल पर सेल्स कहाँ से आएगा? Obviously existing customer से, because product नहीं है तो new product के लिए new customer ढूंढने जाना ये बहुत tough job है। So सबसे पहले हमारी new product को break even पे लाने के लिए या उसे थोड़ा सा you know profitable या marketable बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा growth का stage कहाँ ढूंढेंगे? कि भी जो new product हमने launch की उसके बारे में existing customer को बताया जाए। अब existing customer को बताने के लिए सबसे easiest, quickest, fastest and cheapest way है email announcement। सो ऐसे जगह पर आप प्रॉपर वे में अगर ईमेल से अनाउंसमेंट करते हो कि आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया या आप कोई नया वेंचर करने जा रहे हो या नया कोई टाइप करने जा रहे हो या आपने कुछ भी चीज़ को अचीव किया, आपने माइलस्टोन अचीव किया,
सो ये सारी चीजें अगर आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बताना चाहते हो, सो ईमेल मार्केटिंग इज द चीपेस्ट, क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट वे। सो लेट्स बिगिन अवर प्रैक्टिकल ईमेल एग्जांपल। अब फ्रेंड्स, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वेबसाइट पर या कहीं और जगह पर हमने सर्विसेज को ज्यादा ओपनली प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हम उन्हीं कस्टमर के साथ काम करते हैं जिनका यू नो मिनिमम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में बजट होता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। सो जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनके लिए हम लोग सर्विसेज अभी तक ओपन नहीं की थी, बट रिसेंटली इन द मिड ऑफ 2015 हमने बहुत सारे एजेंसीज के साथ टाइप किया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेबसाइट डिजाइनिंग में है, जो कंटेंट डेवलपमेंट में, उनके साथ भी हमने टाइप किया, और रिसोर्सेज इंक्रीज करने से हम हमारी टीम के साथ ये डिस्कस कर पाए कि ओके, अभी हम लोग स्मॉल एंड मीडियम बजट के लिए, इवन 5,000 रुपीज बजट के लिए भी वी कैन हैव एड कैंपेन्स। सो ये पूरा मॉडल हमने रेडी किया, इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस फॉर इवन स्मॉल बिजनेसेस। सो ये क्या हुआ, दिस इज अवर न्यू प्रोडक्ट, और न्यू प्रोडक्ट का जो ईमेल है वो हम किसे करेंगे, एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर, यानी एग्जिस्टिंग कस्टमर को। सो जनरली लोग क्या करते हैं, ऐसे अनाउंसमेंट के लिए यू नो एक मेल डाल देते हैं कि भाई वी आर प्लीज टू अनाउंस यू नो न्यू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, काइंडली लुक एट अवर दिस प्लान्स एंड प्राइसिंग एंड एक्सेट्रा, दैट्स इट। बट सी, ये आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है और दे वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू, दे वॉन्ट टू यू नो अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। सही में आपने क्या सोच के प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या आपके दिमाग में आया, किस यू नो प्रोसेस से आप गुजरे, क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, एक्सेट्रा। सो यू हैव टू फॉर्म अ स्टोरी। और लिटरली फ्रेंड, जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विस या कोई न्यू वेंचर लॉन्च करते हो तो उसके पीछे बहुत सारी यू नो आपकी खुद की स्टोरी होती है। सो शेयर दैट स्टोरी विद एग्जिस्टिंग कस्टमर। सो हियर इज अवर एग्जाम्पल। हाय फर्स्ट नेम, टिल नाउ वी वर सर्विंग टू दोज क्लाइंट्स ओनली हुज बजट वॉज ₹1 लाख पर मंथ, बट आई वॉज रिसीविंग। सी, अब यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि आपने क्या, आपके पास प्रॉब्लम आया या क्या यू नो आपने अपॉर्चुनिटी देखी जिसकी वजह से आपने न्यू वेंचर स्टार्ट किया। सो यहाँ पर लिखा गया है, बट आई वॉज रिसीविंग ईमेल्स एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम मैनी स्मॉल बिजनेस ओनर्स फॉर सर्विसेज एंड दे रियली इंसिस्टेड दैट अवर कंपनी इज द फर्स्ट चॉइस वेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग सोल्यूशंस। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे पास यू नो बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेस ओनर्स है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, शायद वन मैन आर्मी कह सकते हैं, इनके कॉल आते थे कि सर आप ही सर्विसेज ले लो, तो हम उन्हें रिकमेंड करते थे कि भाई आप सर्विसेज नहीं यू नो अफोर्ड कर सकते या हम उस बजट में काम नहीं कर सकते, सो बेटर यू गो फॉर ट्रेनिंग। अभी हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि भाई ट्रेनिंग आप अपने नॉलेज एंड अपडेशन के लिए ले लीजिए और छोटे मोटे एड कैंपेन्स हैं तो वी विल मैनेज। सो ये हुआ एक सिचुएशन या एक प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी जिसकी वजह से आपने न्यू वेंचर या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि भाई आपने ये जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस किया इसके लिए वो किस तरीके से किया। अब मेरे केस में सिंपल है, लेकिन अगर आप कोई यू नो जेन्युइनली कोई बहुत बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या बहुत बड़े वेंचर में जा रहे हो, तो देयर इज अ स्टोरी भी किस तरीके से आपने यू नो इम्प्लीमेंट किया। और फ्रेंड्स, हो सके तो इसकी वीडियो भी शूट कीजिए, जो जो यू नो की पर्सन, जो CEOs है, जो मैनेजर्स है, जो इनके साथ यू नो इन्वॉल्व थे इस पूरे न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में, तो उनकी एक टेस्टिमोनियल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक नॉर्मल फेस के सामने कैमरा से एक वीडियो शूट कीजिए कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या प्रोसेस आपने किए, किस तरीके से आपने काम अकम्प्लिश किया, एक्सेट्रा। इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि आपकी ब्रांड या कंपनी से लोगों के लिए एक तरीके से कहते हैं कि भाई पर्सनल टच रहता है, लोगों को यू नो आपकी ब्रांड एंड जो प्रोडक्ट्स हैं उससे बिलोंगिंगनेस लगता है। सो इस तरह के अगर हो सके तो वीडियोज को भी आप शूट कीजिए और उसकी भी यूट्यूब पर अपलोड करके लिंक आप अपने ई मेल में शेयर कर सकते हो। सो हियर इज माई स्टोरी और माई प्रोसेस। सिंस लास्ट 1 वीक I was discussing with my team to launch digital marketing services for small clients who really want to grow, who really want to grow, who really want to grow. यानी ऐसे clients के लिए who really want to grow. अब आप सोच रहे होंगे, okay, मैं भी small and medium business हूँ और मैं भी grow करना चाहता हूँ, तो value define कर दी, who really want to grow their business and are not getting good agencies. यहाँ पर आपने अपने आप को अच्छे से position भी कर दिया, आपने आपके जो products and services हैं उससे मिलने वाला जो सॉल्यूशन है कि वे रियली वांट टू ग्रो देयर बिजनेस। सो ये हुआ सॉल्यूशन। आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, लेकिन हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात नहीं करने वाले, उससे मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करते हैं कि यू नो स्मॉल क्लाइंट्स हु रियली वांट टू ग्रो देयर बिजनेस। यानी कस्टमर टाइप डिफाइन कर दिया, उसके बाद उनको क्या वैल्यू या बेनिफिट मिलेगा, और उसके साथ साथ उन्हें ये भी अफसोस करवाना है कि एंड यू नो दोज हु आर नॉट गेटिंग गुड एजेंसीज। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में से बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो यू नो हमें ईमेल लिखते थे कि प्लीज आप ले लीजिए, यू आर आवर फर्स्ट चॉइस, व्हाई, बिकॉज उनके पास जो एजेंसी से वो अप टू मार्क नहीं है,
यानी नॉर्मल फेसबुक पे फोटोग्राफ्स रख दिया या कुछ तरीके से छोटे मोटे कैंपेन चला दिए, ना लैंडिंग पेज है ना ऑटोमेशन है, ये स्ट्रेटेजिक वे में वो लोग काम नहीं करते। सो यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो कॉम्पिटिशन में आपकी पोजिशनिंग करनी है, ये सब कुछ हो गया। और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड, अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट अनाउंसमेंट करना है। पहले जो केस या सिचुएशन डिफाइन करो कि भाई क्या नीड थी, क्यों हमें ये करना पड़ा, उसके बाद किस तरीके से आप इस डिसीजन पर पहुंचे कि ओके अभी इसे लॉन्च करना है, क्या क्या उसकी प्रोसेस थी। एंड थर्ड, आप एक्चुअल अनाउंसमेंट कीजिए कि अब आपने इस प्रॉब्लम और इस सॉल्यूशन के लिए जो नया वेंचर स्टार्ट किया वो क्या है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम रियली मोर देन हैप्पी टू अनाउंस डिजिटल मार्केटिंग प्लान्स फॉर स्मॉल कंपनीज स्टार्टिंग फ्रॉम ₹5,000 ओनली। सो दिस इज माई अनाउंसमेंट। एंड उसके बाद सी प्लान्स दैट सूट्स योर नीड। अब जनरली ये मत लिखना कि सी प्लान्स एंड प्राइसिंग या क्लिक हियर दैट्स इट, और फिर उसे प्लान्स एंड प्राइसिंग पे भेज दो या ऑप्ट इन फॉर्म भरा दो, या तो आप फॉर्म भराने के बाद आप प्राइस शीट को डाउनलोड करा दो। बट यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सी प्लान्स दैट सूट्स योर नीड। इट्स ऑल अबाउट योर, इट्स ऑल अबाउट कस्टमर, नॉट अवर नॉट वी, इट्स ऑल अबाउट योर। सो जनरली लोग क्या करते हैं, प्लान्स एंड प्राइसिंग की लिंक रखते हैं, या तो फिर प्लीज सी दी अटैच एक्सेल शीट या अटैच पीडीएफ शीट एक्सेट्रा। हम क्या करते हैं, सी प्लान्स दैट सूट्स योर नीड। तो ऐसा लगता है कि ये जो मैसेज, ये जो ईमेल है, वो कस्टम तरीके से स्पेसिफिकली उसी कस्टमर के लिए डिजाइन किया गया है जिससे आप ईमेल कर रहे हो। तो रेसिपिएंट को ऐसा लगता है कि ये ऑटोमेशन के जरिए कैंपेन नहीं आ रहा है, ये सही में कोई रियल पर्सन मुझे पर्सनली ईमेल कर रहा है। सो उन्हें एक पर्सनल फीलिंग भी आती है। सो सी प्लान्स दैट सूट्स योर नीड, कॉल टू एक्शन, उस पर लिंक पे क्लिक करके आप प्लान्स एंड प्राइसिंग के पेज पर भेज सकते हो या कोटेशन के पेज पर भेज सकते हो। एंड उसके बाद आपका रिकार्ड्स, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा, ये वेबसाइट एड्रेस एक्सेट्रा। सो दिस इज द वे यू शुड मेक अनाउंसमेंट्स टू योर क्लाइंट्स और टू योर लिस्ट। सो दिस कंक्लूड्स अवर सेशन। थैंक यू वेरी मच।